अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी उठते सार ही मैंने सबसे पहले तो आज जोहर की नमाज़ पढ़ी, और सबसे बड़ी मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ ये थी कि मैंने अभी 2 दिन पहले ही शीन पे अपना ऑर्डर किया था, और जब मैं उठी तो मुझे पता चला कि हमारे शीन का ऑर्डर आ गया। तो मैं इतना हैरान हुई कि शीन का ऑर्डर इतना जल्दी कैसे आ गया। वो कम से कम ही 10-15 दिन लेते आने में, लेकिन वो क्या था कि जितना सामान उनके पास यहाँ पे दुबई में था, उन्होंने उनके स्टोर में उन्होंने वो बस आधा सामान भेजा था, और बाकी सामान अभी मेरे ख्याल से 10 दिन बाद आएगा। तो मैं इतनी एक्साइटेड हो गई। तो ये बड़े बड़े जो बैग्स निकल रहे हैं, इसके अंदर मेरे बेटे का सबसे पहले वो निकला था, ट्रैक सूट था उसका, और ये मेरी ग्रे कलर की ड्रेस थी। एक मैंने ब्लैक कलर की ड्रेस मंगवाई थी, और साथ में अपने बेटे के मैंने स्केट शूज़ मंगवाए थे, और मेरी बेटी पास में खड़ी होकर इतनी एक्साइटेड थी कि शायद उसका भी सामान आ गया, लेकिन अभी उसकी भी ये चीज़ें नहीं आई जो उसने ऑर्डर की हुई थी। तो ये मैंने अपनी जिम के लिए भी थोड़ी सी चीज़ें मंगवाई थी, अपना हेडबैंड, और साथ में ये अपनी एल्बोज़ के लिए फोम के ये बने हुए थे, काफ़ी अच्छा था ये भी। तो ये उसके मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने स्केट शूज़ मंगवाए थे। ये स्कूल में भी वो पहन सकता है, बस पीछे वाले स्केट्स लगा के तो वो आराम से स्कूल में भी पहन के जा सकता है। तो ये रही मेरी 2 ड्रेसेस। अभी तो बेटी भी अपनी, उसकी भी ट्रोज़र्स मैंने मंगवाए थे, लेकिन वो तो इतनी जल्दी लेके ऊपर भागी कि उसने मुझे वीडियो में भी नहीं दिखाए, और मैंने अभी तक उसके ट्रोज़र देखे ही नहीं। ये मेरी एक ग्रे कलर की ये ड्रेस है, और एक ब्लैक कलर की। अभी बच्चों को बुलाती हूँ नीचे, और उनको कहूँगी कि मुझे कोई ये सीधी करके दिखा दो कि मैं उसकी वीडियो बना सकूँ। तो ये मेरे बेटे का ट्रैक सूट था, काफ़ी मोटा सूट था। मैं तो उसको कह रही थी कि ये वापस कर देते हैं, लेकिन वो माना ही नहीं। बहुत ही ये ना गर्म सूट था, मुझे लग रहा था ये इसका ट्रैक सूट, लेकिन उसने ये वापस नहीं किया। तो जैसे मैं उसको बोलने के लिए जा रही थी, तो वो उससे पहले वो पहन के तो मस्तियाँ माशाल्लाह दोनों बाइक कर रहे थे। वो छोटू सा है और वो उसके साथ ऐसे फाइटिंग कर रहा है जैसे वो बहुत बड़ा है, माशाल्लाह इतना बड़ा अपने बाइक के साथ वो फाइटिंग लगा हुआ करने। तो ये मैंने अपने ऑनियन जो है मैंने ब्राउन कर ली है, आज हमारे घर में बन रही है अफ्तारी में हलीम। तो ये मेरी मेड बैठी हुई है, तो लगी हुई है वो ज़ोरों ज़ोर इसको करने, मैश करने, क्योंकि मैं मशीन वगैरह के अंदर ही इसको नहीं करती हूँ, मैं हाथ में ही हाथ के साथ इसको करती हूँ। वो फिर चिकन वगैरह जो भी आपने मटन डाला होता है उसके अलग अलग वो रेशे बन जाते हैं, तो मैं इसके लिए ये शान हलीम मिक्स ही यूज़ करती हूँ। तो इतनी मज़ेदार हलीम रेडी हो जाती है। ये रहा मेरी हलीम जो मैंने अभी अभी इसको मिक्स करके तो ऊपर रखा है, लेकिन अभी मैं इससे ज़्यादा हैप्पी नहीं हूँ, इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर और स्टीम पर रखा है कि वो थोड़ा सा और गल जाए। तो इसके बाद मैं बाहर आई तो पता नहीं एकदम से ना लेग्स में पेन हो रही थी, कल जिम किया था इतने दिनों बाद, तो क्योंकि डाइट वगैरह दोबारा स्टार्ट कर दिया, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी मसाज करती हूँ। ये मैंने मसाज मशीन मेरे अब्बू ने सॉरी ऑर्डर की थी, तो बहुत ही अच्छी मशीन है ये। आप लोगों ने भी अगर करनी हो तो आप गूगल में जाकर सर्च करें, इसका नाम है रिलैक्स टोन। तो ये बहुत ही अच्छी मसाज मशीन है। तो आप लोगों को भी अगर कोई प्रॉब्लम है शोल्डर में, लेग्स में, या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है अगर आपको, तो इसके फंक्शन भी है, ये बहुत ज़्यादा स्लो भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा हाई भी हो जाती है, तो मैं तो आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप ये मंगवा के तो यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद मैं दोबारा से किचन में गई, तो अभी मेरी बारी आ गई इसको मिक्स करने की। कभी मेरी हेल्पर कर रही है, कभी मैं कर रही थी। तो बनाना तो इसको आसान है, लेकिन इसको मिक्स करना सबसे मुश्किल काम है। इसको तकरीबन 1 घंटा लग गया था हम लोगों को इसको मिक्स करने में। तो इतना मिक्स किया था कि मेरे हाथ जो थे इतने पेन होने लग गए, पूरे हाथ मेरे रेड हो गए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इतने रेड हो गए थे, ये देख के कर करके वो इतने रेड हो गए थे कि फिर मैंने अपनी हेल्पर को बोला कि अब तुम करो, मुझसे तो नहीं हो रहा। मैं उठ के फिर बाहर चली गई, और पीछे पीछे मेरी बेटी भागती हुई आई कि ये देखे मैंने अपने नेल के ऊपर कितना क्यूट आर्ट किया, उसने कैटो बनाई थी। मुझे बच्चों की ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बच्चे बहुत खुश होते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों में, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों की ये चीज़ें देख के। अब मैंने अपनी बेटी को बोला कि प्लीज़ मेरी ड्रेसेस दिखा दो, कि मैंने जो ड्रेस मंगवाई हैं, तो मैंने एक ये ग्रे कलर की मंगवाई थी और एक ये ब्लैक कलर की। इनका स्टफ इतना अच्छा था फ्रेंड्स कि आप लोग शीन से जो है ना ये ऑर्डर कर सकते हैं, इनके जो कपड़े वगैरह ना काफ़ी अच्छा स्टफ था। उसके बाद मेरी हलीम रेडी हो गई और मैं आई थी, और मैंने कहा चले मैं तड़का लगा दूं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जल्दी लगाया था, मुझे अपने नेबर्स को भी अफ्तारी भेजनी थी। मैं जब भी कोई अच्छी चीज़ बनाऊँ, जैसे मैंने हलीम या निहारी वगैरह ऐसी कोई चीज़ बनाऊँ, तो मैं अपने नेबर्स को भी ज़रूर भेजती हूँ, वो भी पाकिस्तानी है। तो इसलिए फिर मैंने अफ्तारी से ना आधा घंटा पहले ही मैंने इसको तड़का वगैरह लगाना शुरू कर दिया था। तो होप्स हो कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा, और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को प्लीज़, तो मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं।
तो ये देखिए, इसके बाद मैंने तड़का लगा के इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए ना स्टीम पर रख दिया था कि ये उसके सारे फ्लेवर्स जो थे ना वो इसके अंदर आ जाएं, वो अब्जॉर्ब हो जाएं इसके सारे फ्लेवर्स। तो उसके बाद मैंने अपने नेबर्स के लिए ट्रे रेडी कर दी थी, उसके अंदर मैंने लेमन और अदरक वगैरह सब कुछ रख के उन और हलीम मैंने रेडी कर दी थी, बाउल में डाल दी थी, उनके लिए रोटियाँ भी मंगवा ली थी। उसके बाद बस अफ्तारी का टाइम हो गया था, आपको तो पता है अब डाइट शुरू हो गई है, तो मैं बस बच्चों के लिए समोसे वगैरह बनाती हूँ, वो भी एयर फ्रायर में। तो उसके बाद बस होप्स हो कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। यहाँ पे बेटी सैलेड ले रही है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय गाइज़।